उन्हें योग सिखाने वाला एक योगी कहें, विश्व शांति और विकास का सपना देखने वाला एक युग दृष्टा कहें, या फिर समाज कल्याण के लिए सर्वदा तत्पर रहने वाला मानवतावादी सद्गुरु। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुरु की जो भारत के प्राचीन संस्कारों और सभ्यताओं को अपने अंदर समाये हुए हैं, लेकिन सोच और समझ से आधुनिक हैं, और वो हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। अध्यात्म की दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाले सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 5 सितंबर 1957 को भारत में कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में हुआ। उनके पिता पेशे से डॉक्टर थे। बचपन से ही वासुदेव दूसरे बच्चों से अलग थे। उन्हें कुदरत से बेहद लगाव था, इसलिए उनका ज्यादातर समय जंगल में बीतता था, जहां वो पेड़ों पर बैठकर उछल कूद करते और अक्सर ध्यानमग्न हो जाया करते। इसके साथ ही स्पोर्ट्स में भी उनकी गहरी रुचि थी। क्रिकेट, फुटबॉल और घुड़सवारी करना उन्हें खासा पसंद रहा। वासुदेव को बचपन से ही नाम मिल गया था जग्गी। जब वह 13 साल के थे तो उन्होंने योग अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इनके योग शिक्षक थे श्री राघवेंद्र राव, जिन्हें मल्ला डिहल्ली स्वामी के नाम से जाना जाता है। जग्गी वासुदेव ने कर्नाटक की मैसूर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन पूरी की और बिजनेस करने लगे। वासुदेव जब 25 साल के थे तब उनके साथ एक असामान्य घटना घटी। दरअसल उन्होंने चामुंडी पर्वत की चढ़ाई की, जहां उन्हें कुछ आध्यात्मिक अनुभव मिले। ये अनुभव करने के 6 सप्ताह बाद ही उन्होंने अपना सफलतम व्यवसाय छोड़ दिया और इस तरह का अनुभव पाने के लिए दुनिया भर की यात्रा करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने आंतरिक अनुभव को बांटकर लोगों को योग सिखाने का निर्णय लिया। साल 1983 में मैसूर में अपने 7 सहयोगियों के साथ उन्होंने अपनी पहली योग क्लास की शुरुआत की। क्लास के लिए जग्गू वासुदेव किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे, बल्कि इनका एक पोल्ट्री फॉर्म था जिससे सारा खर्चा चलता था, और चैरिटी भी। इसके बाद समाज कल्याण के लिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सी सामाजिक और सामुदायिक विकसित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही इसका उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीबों के स्वास्थ्य और उनके जीवन की गुणवत्ता को विकसित करना और ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर का विकास करना है, और ये काम इनकी ये संस्था सफल रूप से एक मिशन की तरह कर रही है। तभी तो उनका ये फाउंडेशन भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, लेबनान, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, युगांडा, चाइना, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में भी फैला हुआ है। ईशा फाउंडेशन के साथ साथ जग्गी वासुदेव प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स के भी संस्थापक हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु में हर साल कम से कम 10% हरे पेड़ पौधों को लगाना है। उनके इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जीवन गंभीरता और व्यवहारिकता का एक आकर्षक मेल है। अपने इन्हीं सुकार्यों और आधुनिक सोच की वजह से अक्सर इनको मानवाधिकार, व्यापारिक मूल्य, सामाजिक, पर्यावरणीय मसलों पर अपने विचार रखने के लिए वैश्विक स्तर पर आमंत्रित किया जाता है। 25 जनवरी 2017 को आध्यात्मिकता में दिए गए उनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है।